प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप कंटिन्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। आपको मैं आज हमारे इस गाइड सीरीज में लेकर के चलता हूं, जो दो चरों का रैखिक समीकरण मैं आज ये प्रश्नावली 3 आप लोगों को बना के बताऊंगा। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत अपना आगे का उद्देश्य पूर्ति के लिए जो कार्य कर रहे हैं कक्षा 10वीं में अच्छे अंक लाने के लिए, उसको आप बनाए रखिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3 में। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 स्क्रीन पर दर्शाए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन बताया था कंटिन्यू सीरीज में, उन कंडीशन को आज हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही सरल प्रोसेस है, समीकरण निकाय दिया गया है तो यहाँ पे लिख लेंगे, दिया गया 3x plus 5y is equal to 12 and 5x plus 3y is equal to 4। समीकरण निकाय को निम्न स्वरूप में लिखने पर क्या निकालेंगे, a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 प्राप्त करने पर। अरे ये समझ में बहुत ही सरल है, देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 3/5, 5/3 और 12/4। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का मान प्राप्त कर लिया। यहाँ पर स्पष्ट क्लियर दिख रहा है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 के बराबर, यानी कि 3/5 बराबर नहीं है 5/3 का, कैसे हो सकता है बताइए, है ना, आपको स्पष्ट पता चल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर इसको हम कटा के छोटा कर सकते हैं, 4 × 4 = 12, ये भी इसके बराबर नहीं है, चाहे तो चिन्ह लगा सकते हैं, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर ये कंडीशन हमको क्या दिखाया, देखिए यहाँ पर ये हमको क्या दिखाता है, ये हमारा पहला कंडीशन था और उसको सेटिस्फाई करता है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ये क्या हो गया, एक अद्वितीय हल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक अद्वितीय हल का यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है वह सेटिस्फाई हो जाता है, इसलिए हम लोग अब कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न क्रमांक 2 को पढ़िए ध्यान से, दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हैं। अंततः अनेक हल माने हमने जो आपको बताया है उसके हिसाब से तीसरा कंडीशन क्या बताता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये स्थिति प्राप्त होता है तो इसके अंततः अनेक हल हो जाएंगे। तो हम लोग लेकर के चलते हैं, ये दिया गया है, हम लोग मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिया है समीकरण निकाय से हम क्या प्राप्त करेंगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 प्राप्त करने पर। ठीक है, सबसे पहले इसका a1/a2 b1/b2 और c1/c2 प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही आसान है, देखते रहिए आप। 2/6 ऋण 3/9 और 5/15, इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको हम काट लेते हैं जितना भी कटेगा, 2 × 2 = 6, यहाँ पर ऋण 9 है, 3 × 3 = 9, ऋण और ऋण धन हो गया, ठीक है, और 5 × 5 = 15, यानी कि परिणाम क्या मिल रहा है, 1/3 1/3 1/3, जिसको हम आसानी से कह सकते हैं, देख करके देखिए इसको, 1/3 = 1/3 और 1/3 = 1/3 होता है। इससे हमको क्या पता चल गया, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जो कि क्या दिखाता है हमको, अंततः अनेक हल है। इस तरह से हमको दिया गया कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है और हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल है, कैसा है देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में 3 प्रश्न है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग चीजों को निर्देशित करता है। देखिए k के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई भी हल न हो। यहाँ पे हमको कोई भी हल न हो का कंडीशन लगाना है, यानी कि कोई भी हल नहीं है। इस पर क्या था कंडीशन, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, हमको
जिस जगह का जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से के जहां रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको उपयोग करेंगे। तो इस कंडीशन का कोई भी हल नहीं है का इस शर्त को हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। और उपयोग करते समय ध्यान से देखिए, बहुत ही सरल है, जैसा आप करते आ रहे हैं ऐसा ही सरल मिलेगा आपको। तो हम लोग दिए गए समीकरण निकाय फर्स्ट का लेते हैं। देखिए समीकरण निकाय 8x + 5y = 9 तथा kx + 10y = 15 से a1/a2 b1/b2 c1/c2 प्राप्त करते हैं। तो कितना हो जाएगा देखिए बड़े ध्यान से, 8/k, 5/10 और 9/15। आप इसको चाहे तो छोटा कर सकते हैं, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 3 × 9, 3 × 5 = 15। अब इसको आप देखने से क्या पता चलता है, a1/a2 8/k है और b1/b2 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बराबर है या नहीं है ये नहीं जानना है, क्योंकि हमको बराबर है ये दर्शाना है। यहाँ पर देखिए हम जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं है ना, कोई हल नहीं है के अनुसार, उस अनुसार हम इसको हल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 8/k = 1/2 का, यही से हम लोग मान निकालेंगे, तिरेक गुणा करते हैं। तिरेक गुणा करने से क्या हो जाएगा, k1 = 8 × 16, यानी कि k का मान 16 नहीं होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी होने से चलेगा, ठीक है। बाकी सारे स्थिति में क्या हो जाएगा, दूसरा हल प्राप्त हो जाएगा। परंतु k = 16 अगर नहीं है तो इसका कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, यानी कि इस कंडीशन में दोनों लाइन कैसे होंगे मैं आपको याद दिला देता हूं, समानांतर होंगे, ठीक है। कंडीशन क्रमांक 2 था। अब आगे चलते हैं इसी के प्रश्न क्रमांक 2 के लिए। प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से देखिए, 3 का यही कंडीशन हमको अप्लाई करना है, क्योंकि प्रश्न के मुख्य स्वरूप में दे दिया है। तो हम लोग सेम टू सेम वही करेंगे, kx + 3y = 3 तथा 12x + ky = 6 से क्या निकालेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 प्राप्त करते हैं। ओके, आप चाहें तो यहाँ पे कामा लगा सकते हैं, नहीं भी लगाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a1/a2 माने कितना हो गया, k/12, b1/b2 = 3/k और c1/c2 = 3/6 इस तरह से प्राप्त होता है। परंतु हमको कोई भी हल नहीं है का शर्त पता है, उसके अनुसार क्या कर लेंगे, शर्त अनुसार क्या है देखिए, k/12 = 3/k का। अब यहाँ पर तिरेक गुणा कर लेते हैं, देखिए बहुत ही सरल है, क्या मिल जाएगा, k × k = k² = 12 × 36, इसलिए k क्या हो जाएगा, ±6, ठीक है। इसका जब निकालेंगे तो ±6 होता है। तो के का मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर -6 होना चाहिए, k = -6 होना चाहिए, तब यह हमको समीकरण निकाय जो है कोई भी हल नहीं है प्रदान करेगा। तो अगर इसका वैल्यू ऐसा हो जाता है तो कोई हल नहीं है होगा। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू भर देते हैं तो उसका हल निकल जाएगा, या हो सकता है अंततः अनेक हल निकल जाए, परंतु दूसरा कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगा अगर इसको हम नहीं भरते हैं तो। तो के का मान क्या होना चाहिए, ±6 ही होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखें। ये हो गया आंसर, बहुत ही सरल है मैंने कहा था, इसलिए आप तीसरा क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ू, चलिए आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, एक क्वेश्चन तो अपने मेहनत से कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ प्रश्न क्रमांक 4 के लिए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 4 को, देखिए स्क्रीन पर, यहाँ पर भी एक कंडीशन दिया है, के का मान ही ज्ञात करना है, परंतु यहाँ पर कंडीशन क्या है, एक अद्वितीय हल है, तो के का मान ज्ञात करना है। अद्वितीय हल के लिए हमारा पहला कंडीशन है क्या होना चाहिए, a1/a2 ≠ b1/b2। अगर ऐसा होता है और इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो उससे हम लोग के का मान प्राप्त कर लेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए पहला को दिया है मैं, चलो लिख के ही बता देते हैं, +2y = 5 और 3x + y = 1 से क्या निकाल लेंगे, a1/a2 b1/b2 निकाल लेंगे और c1/c2 भी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, k/3 2/1 और 5/1। अब यहाँ पे शर्त अनुसार k/3 ≠ 2/1, इसको हल करते हैं, तिरेक गुणा करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, k > k = 3 × 6, यानी कि k का मान 6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो तो ये अपना हल दे देगा। यानी कि k = 6 नहीं है, माने कि 6 को नहीं रखना है, अद्वितीय हल प्राप्त करना है तो।
तो अद्वितीय हल हमको प्राप्त करना है, इसलिए के का मान 6 नहीं होना चाहिए, उत्तर 6 होगा, आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा, बट के का मान 6 नहीं होना चाहिए, ये शर्त अनुसार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, 4 का क्या बोलता है, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 3 और 3x प्लस ky इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिया है आप लिख सकते हैं, आप लोग लिखिए जैसा मैं बताया हूं वैसा। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 प्राप्त करने पर, ठीक है, इसके आगे का आप पिछले के हिसाब से लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है, 1/3 माइनस 2/k और 3/1। शर्त अनुसार क्या है, शर्त अनुसार a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसी के हिसाब से ले लेते हैं, 1/3 नॉट इक्वल टू माइनस 2/k, त्रिक गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, k कम k बराबर नहीं है -2 × 3 बराबर -6, यानी कि k का मान क्या नहीं होना चाहिए, -6 नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी होने से चलेगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा -6, यही हमारा आंसर है। तो बहुत ही सरल है, देख रहे हैं आप, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को देखिए, यहीं पर क्या दिया गया है, a1 बटे a2 इक्वल टू k/12, b1 बटे b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/k और c1 बटे c2 इक्वल टू होता है k-3/k। हमको शर्त का उपयोग करना है, शर्तानुसार क्या है, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हम लोग शर्त लगा करके आगे हल करते हैं तो k का मान क्या होगा हमको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर k/12 बराबर नहीं है 3/k का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तिरेक गुणा करने पर k² बराबर नहीं है 36 का, तो यहाँ से k का मान निकाल लेंगे, k बराबर नहीं है क्या हो जाएगा, वर्गमूल 36, यानी कि k बराबर नहीं है ±6 का, यानी कि ±6 के अलावा कुछ भी होने से चलेगा, तो k का मान क्या नहीं होना चाहिए, ±6, यानी कि आंसर क्या हुआ, +6 और -6 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रश्न क्रमांक 3 को भी कर लिए, बहुत ही सरल है। प्रश्न क्रमांक 4 को मैं वही आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, जब इतना सीख ही चुके हैं तो एक क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी भारी बात नहीं होगी, आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो नेक्स्ट में चलते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, यहाँ पर 5 का पहला को देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हैं। तो मैं यहाँ पे पुनः लिख देता हूँ, अंततः अनेक हल के लिए क्या था हमारा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, ये आपको याद होना चाहिए, ये तीसरा कंडीशन है, अब तक याद हो भी चुका होगा क्योंकि इतना बार बना चुके ना हम लोग। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, दिए गए समीकरण निकाय से, माने यहाँ पर जो दिया गया है दो ठोक उसको लिखेंगे आप, क्या प्राप्त करने पर, a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 प्राप्त करने पर क्या मिल जाता है, देखिए 2/k-1 3/k-2 और 7/3k। यहाँ पे दोनों कंडीशन को लेकर के चलेंगे क्योंकि बराबर वाला स्थिति है, हालांकि किसी भी एक को हल करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तब हम यहाँ पर ले लेते हैं शर्त अनुसार, चूंकि यहाँ पर देखो एक ही ठो वाला दिख रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा सरल स्टाइल का बता देता हूँ। देखिए 3/k-2 बराबर है 7/3k, तिरेक गुणा करने पर हमने किसका उपयोग किया, यहाँ पर देखिए b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का उपयोग किया है, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3×9k बराबर 7k-7×14, आ गई बात समझ में, इसको इधर ले लेते हैं बराबर के दूसरे साइड में, तो क्या हो जाएगा 9k-7k बराबर 14, क्लियर आया, कितना आया 2k बराबर 14, इसलिए k बराबर 14/2 बराबर 7, यानी कि k का मान क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए, तभी जाकर के यह अंततः अनेक हल देगा, आई बात समझ में, k का मान 7 होगा। तो आप चाहें तो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 को भी लेकर के निकाल सकते हैं, आपको मान k का वैल्यू 7 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि पहला भी बड़े आसानी से बन गया। अब चलते हैं पांचवा के दूसरा में, ये रहा पांचवा का दूसरा। तो दिए गए समीकरण में दिए गए समीकरण निकाय कौन कौन सा, kx+2y-4=0 तथा 5x-3y+6=0 से क्या प्राप्त करेंगे हम लोग,
ए वन बटे ए टू इक्वल टू बी वन बटे बी टू इक्वल टू सी वन बटे सी टू प्राप्त करते हैं। ठीक है, शर्त अनुसार, है ना। क्या होता है ध्यान से देखिए, यहाँ पर के बटे पांच बराबर दो बटे ऋण तीन बराबर ऋण चार बटे छ, इसमें से किसी भी दोठों को यूज करके हम लोग के का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी दोठों को मैंने या तो इन दोनों को यूज करना पड़ेगा या तो हम लोगों को इसको और इसको लेकर के हल करना पड़ेगा। तो हम लोग जो इस तरह से हैं ए वन बटे ए टू इक्वल टू बी वन बटे बी टू को लेकर के हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, के बटे पांच बराबर दो बटे ऋण तीन, इसको अगर हल करते हैं तो देखिए ध्यान से क्या आता है, के बराबर पांच दुनी दस बटे ऋण तीन। तो के का मान क्या होना चाहिए, दस बटे ऋण तीन होना चाहिए, तब जाके होगा। या फिर हम लोग देखिए यहाँ पे मैं दूसरा तरीके से बता देता हूँ, बराबर ऋण चार बटे छह, ये भी होने से चलेगा, इसको काट देते हैं, दो दुनी चार दो तिया छह, आखिर आएगा उतना ही, के बराबर पांच दुनी दस ऋण दस बटे तीन, आखिर आंसर वही है, के का मान क्या होना चाहिए, ऋण दस बटे तीन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या लिखा है देखिए, थ्री एक्स प्लस के वाई इक्वल टू सेवन और टू एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू वन। तो दिया है थ्री एक्स प्लस के वाई इक्वल टू सेवन तथा टू एक्स माइनस फाइव वाई इक्वल टू वन से क्या निकालेंगे, ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू प्राप्त करने पर, चलिए करिए, थ्री अपॉन टू के अपॉन माइनस फाइव और सेवन अपॉन वन, ये हो गया। शर्त क्या बोलता है हमारा, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। ठीक है, ऐसा होना चाहिए, ये शर्त लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू इक्वल टू के बाई माइनस फाइव, या तो फिर ऐसा ले सकते हैं इसको तिरेक गुणा करने पर, टू के इक्वल टू ऋण पंद्रह या के बराबर ऋण पंद्रह बटे दो, के का मान क्या प्राप्त होना चाहिए, ऋण पंद्रह बटे दो। इसी तरह से आप इन दोनों को लेकर के भी हल कर सकते हैं, क्या आना चाहिए, के बटे ऋण पांच बराबर सात बटे एक, के का मान क्या प्राप्त होता है, सात पंच पैंतीस ऋण पैंतीस। यहां पर देखिए के का मान अलग प्राप्त हो रहा है, यहां पर के का मान अलग प्राप्त हो रहा है, इसलिए क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आ गई बात समझ में, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए अन्यथा कोई हल नहीं होगा। हमने इससे पहले भी निकाल के देखा है, दोनों मान प्राप्त होते हैं हमको और सेम टू सेम प्राप्त होते हैं, तो अगर वैसा प्राप्त नहीं होता है तो इसका हल कोई नहीं होगा। आ गई बात समझ में, इस बात को भी ध्यान से रखें कि ऐसे प्रश्न भी हमको मिलेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक चार पे, देखिए मैं इसको डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे सीख जाएंगे इसका मतलब, तो आप अपने मन से बड़े आराम से जैसा भी लिखना हो, इससे पहले जितना प्रकार बता दिया हूँ वो सारा का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ए वन बटे ए टू बराबर के बटे दो लेते हैं, ठीक है, बी वन बटे बी टू बराबर ऋण पांच बटे ऋण तीन लेते हैं और सी वन बटे सी टू बराबर दो बटे बारह लेते हैं। हम लोग इन दोनों को एक बार यूज करेंगे, फिर दूसरी बार में इन दोनों को यूज करेंगे और देखेंगे क्या आता है। देखिए शर्त अनुसार ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, अब यही काम यहाँ पे कर लेते हैं, के बटे दो बराबर ऋण पांच बटे ऋण तीन, ये दोनों कैंसिल हो गया तो पांच बटे तीन हुआ, तिरेक गुणा करने पर क्या मिलता है, देखिए के बराबर पांच दुनी दस बटे तीन। यही स्थिति अगर हमको सेकंड बार के लिए मिलता है तब भी हमको सेटिस्फाई होगा अन्यथा नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर हम बी वन बटे बी टू और सी वन बटे सी टू को लेते हैं, यहाँ पर के का मान कहीं अननोन नहीं है इसलिए हम यहाँ से प्राप्त नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार जैसे कि बी वन बटे बी टू का यूज करते हुए ए वन बटे ए टू से लिए, तो ये हमारे सी वन बटे सी टू के बराबर भी है, ध्यान दीजिए इसको, तो हम लोग उसका यूज करेंगे, यानी कि ए वन बटे ए टू बराबर सी वन बटे सी टू का उपयोग करेंगे। यहाँ पर भी के का मान उतना ही प्राप्त होना चाहिए, क्या मिल जाएगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए वन बटे ए टू मैंने के बटे दो और सी वन बटे सी टू बराबर दो बटे बारह, क्या आता है यहाँ पर, के बराबर दो दूनी चार बटे बारह, चार एकम चार, चार तिया बारह, एक बटे तीन आता है। तो यहाँ पर भी दोनों मान बराबर नहीं आए, तो जब तक के का मान समान प्राप्त नहीं होगा हम लोग इसको क्या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये कोई हल नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए ये आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया समझ लो। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक छह को देखिए आप, और बड़े ध्यान से पढ़िए और बहुत ही सरल देखिए। यदि x बराबर दो वाई बराबर चार है तो समीकरण निकाय सात एक्स ऋण
चार वाई बराबर पी में पी का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है, देखिए यहाँ पे दिया है एक्स बराबर दो वाई बराबर चार, समीकरण में रखने पर क्या हो जाएगा, सेवन इंटू टू माइनस फोर इंटू फोर इक्वल टू पी, सात दुनी चौदह ऋण चार चौ सोलह बराबर पी, चौदह में से सोलह घटा देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू इक्वल टू पी, ये हमको पी का मान प्राप्त हो गया, यही हमारा आंसर है। कितना सरल है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन पर, क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोलता है देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि सरल रेखा इस बिंदु से होकर के गुजरता है। सेम टू सेम टाइप का प्रश्न है, ध्यान से देखिए, दिया है बिंदु वन माइनस वन रेखा टू एक्स माइनस के वाई इक्वल टू नाइन से गुजरता है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा तभी जाके होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिए, टू वन ये है एक्स और ये वाई का वैल्यू, आई बात समझ में, तो टू वन माइनस के माइनस वन इक्वल टू नाइन, इसको हल कीजिए, दो एक कम दो ऋण ऋण धन के कम के इक्वल टू नाइन, के का वैल्यू कितना हो जाएगा नाइन माइनस टू इक्वल टू सेवन, के का मान सेवन प्राप्त होगा। यदि के का मान सेवन से होता है तो यह इस बिंदु से गुजरेगा, ये दिखाता है, आई बात समझ में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर आठ, बड़े ध्यान से पढ़िए और बहुत ही सरल लगेगा मुझको उम्मीद है। जांच कीजिए, निम्नलिखित समीकरण निकाय अद्वितीय हल रखता है, ध्यान से देखिए, अद्वितीय हल रखता है या कोई हल नहीं रखता अथवा अंततः अनेक हल रखता है, चेक करना है हमको, जांचना है। तो जांचने के लिए आप लोग जान रहे हैं कि शर्त का उपयोग करेंगे। अब अद्वितीय हल अगर उत्तर मिल जाता है हमको तो आगे भी हल करना है, जैसे कि आप लोग दो चरों का रैखिक समीकरण को हल करते आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले तो चेक कर लेते हैं, तो दिए गए समीकरण निकाय से, यानी कि कहाँ से, यहाँ से क्या प्राप्त कर लेते हैं, ए वन बटे ए टू बी वन बटे बी टू सी वन बटे सी टू प्राप्त करने पर क्या मिलता है, देखिए चार बटे दो सात बटे एक अठारह बटे चार, ये प्राप्त हो गया हमको। इसका मतलब क्या हुआ, काट पीट के देख लीजिए, दो एकम दो दुनी चार दो दुनी चार दूनी अठारह, सीधी सी बात है, क्या मिला, टू अपन वन सेवन अपन वन नाइन अपन टू, कोई भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन प्राप्त होता है जो हमारा पहला कंडीशन है, ए वन बटे ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बटे बी टू, ये प्राप्त हो जाता है हमको, जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अद्वितीय हल रखता है, ये कंडीशन प्राप्त होता है। और साथ में ये भी बोल देता है कि उसका मान ज्ञात करो, यानी कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल है, बड़े ध्यान से देखते रहिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारा पहला समीकरण हुआ, ये हमारा दूसरा समीकरण हुआ। समीकरण दो में कितना डबल कर देने से हो रहा है, देखो चार, ठीक है, एक्स पर ध्यान दो, समीकरण दो में दो का गुणा कर समीकरण एक से घटाने पर क्या मिलता है, देखिए 4x प्लस 7y इक्वल टू 18 है, इसको डबल कर दीजिए 4x प्लस 2y इक्वल टू 8 और साथ में घटा देना है, तो ये धन ऋण हो जाएगा, यहाँ पे ऋण हो जाएगा, आई बात समझ में। ऐसा बहुत सारे प्रश्न आप लोग हल कर लिए हैं, इसलिए मुझको उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सरल लगता होगा। इसको कैंसिल कर दीजिए, 7y में से 2y गया तो 5y बचा और 18 में से 8 गया तो 10 बचा, यानी कि वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 5 यानी कि 2, वाई का वैल्यू हमको मिल गया 2, वाई बराबर 2 को समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख लेते हैं, देखिए यहां पर जो है क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स धन 2 बराबर 4, 2 को इधर ले लेते हैं, 2x बराबर 4 ऋण 2 बराबर 2, इसलिए x बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। तो इस तरह से हमको प्राप्त होता है x बराबर 1 और y बराबर 2 प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर है। ओके, इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारा सरल प्रकार से आप लोगों को हल करके बताया जा रहा है, आप लोगों को सरल लगने लगा होगा, तो आप लोग अच्छे से बनाते रहिए। आप लोग देख रहे हैं ये प्रश्नावली यहीं पर खत्म हो गया, इसमें और कोई भी पार्ट शेष नहीं है, तो आप ये प्रश्नावली को बनाने के बाद अगले प्रश्नावली में हम लोग जाएंगे। परंतु आप लोगों को पता है कि ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्नावली है, अब हम कहाँ चलेंगे हम लोग अगला एपिसोड में, जहां पर कि एक चर का द्विघातीय समीकरण से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे, कंटिन्यू सीरीज में वहीं पे मिलेंगे अगले दिन अगले वीडियो पे।
आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अच्छे से देखा।